रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट में हम लोगों ने थियोरी जो है मैंने जो पढ़ाया उसके बाद बाकी जो है वो पढ़ाते, फिर उसके बाद आज कॉस्ट शीट करेंगे तो शायद कॉस्ट वाला पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना हो पाता है। तो लास्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया था वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट तक ये थियोरी जो है मैंने कंप्लीट करवाया था, इसके बाद से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, इरिकवरेबल कॉस्ट, और सारा ही देखो मैंने स्लैश स्लैश देके लिख रखा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लगभग सारे खर्चे एक जैसे हैं, लेकिन इसमें सभी में एक थीन लाइन डिफरेंस है जो हमें समझना पड़ेगा। जैसे संक का मतलब क्या होता है? डूब जाना, ठीक है। संक कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट चला गया जिसे हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई अपने मान लो ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर लगा लिया, ठीक है। तो अब वो खर्चा जो कर दिया कर दिया, अब वो खर्चा हम तो रिकवर नहीं कर सकते कि सॉफ्टवेयर का पैसा वापस लेके आए। मैंने 10,000 रुपए का सॉफ्टवेयर लगाया, वो 10,000 रुपए हम वापस किसी से ले नहीं सकते। मैंने एक एसी लगवा लिया, वो एसी का पैसा हम वापस थोड़ी ना किसी से ले सकते। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो हो चुका है और जो रिकवर नहीं हो सकता है, ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट बोलते हैं। तो तुम लोग का क्या आएगा? तुम लोग का मेनली आएगा इसमें से जो है एमसीक्यू वगैरह, ठीक है। ये जितना भी थ्योरेटिकल इससे एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू में तुम लोग को ये सब पता होगा तो आंसर देने में आसानी होगा। फिर बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो हिस्टोरिकल नाम से ही पता चल रहा है, हिस्ट्री मतलब जो पुराना चीज है, ठीक है। तो बोल रहा है देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब द प्राइस पेड फॉर एन एसेट व्हेन इट वाज परचेज। तो एक ही बात हो गया ना, यहाँ पे तो एसेट का ही बात हुआ था। सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट होता है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी का लिया है, ये टेंजिबल एसेट होता है, दोनों ही एसेट है। और संक कॉस्ट मतलब जो पैसा चला गया रिकवर नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जो पैसा हम लोगों ने पास्ट में खर्चा कर दिया। बात एक ही है, ऐसा नहीं कि सब डेफिनेशन अलग है, लेकिन नाम अलग अलग पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन भी देगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट या संक कॉस्ट, तो फिर उस हिसाब से पता होना चाहिए। इसीलिए नाम मैंने अलग अलग लिख के दिया है कि प्रोबेबल जितने सारे नाम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। फिर देखो बोल रहे मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट। पास्ट कॉस्ट का मतलब फिर से वही बात आ गया, देखो जो संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट। अब पास्ट कॉस्ट नाम से पता चल रहा है, पास्ट मतलब जो ऑलरेडी हम लोगों ने खर्चा कर दिया है। जैसे कि मनी स्पेंट फॉर मार्केटिंग, अगर हम लोग अपने बिजनेस में मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसका कोई खर्चा कर दिया, ठीक है। फिर एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज पेड टू एक्वायर ए प्रोडक्ट और एसेट। बोल रहा है कि एक्चुअली हम लोगों ने जो खर्चा किया है कोई एसेट को परचेस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एन ऑटो रिपेयर शॉप में एस्टिमेट दैट व्हीकल रिपेयर कॉस्ट इज 1200, बट एक्चुअल कॉस्ट हाँ बताते हैं। ये जो एग्जांपल लिखा है, जैसे मान लो कि अचानक से हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में हमारा गाड़ी खराब हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, एक और साथ पास ही एक रिपेयरिंग शॉप देखा, तो वहां जाके खर्चा मतलब वहां जाके बोला कि ये प्रॉब्लम है। तब वो लोग एक एस्टिमेट देंगे कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हम लोगों का 1200 या 1300 रुपया लगेगा, लेकिन एक्चुअली तभी बताएंगे ना जब पूरा काम हो जाएगा। उससे ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। मान लो एस्टिमेट दिया था 1400, लेकिन लगा 1500, तो एक्चुअली जो कैश आउटफ्लो हम लोगों ने किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब ये हो गया। अच्छा, अब फिर उसके बाद इररिकवरेबल कॉस्ट। इररिकवरेबल का मतलब वो खर्चा जो हम लोग कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ए लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन लीगल कॉस्ट इज इररिकवरेबल। मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या हमारे कंपनी में या कोई भी, ठीक है, उसमें कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है। अब कंपनी का ही बात नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ में भी चल सकता है। तो लीगल अगर कोई हमारा खर्चा चल रहा है, इनकर्ड हो रहा है, तो वो इम्पॉसिबल रिकवर करना। हम लोगों ने एक लॉयर हायर कर लिया, उनको हम लोग उनका सैलरी मतलब जो उनका चार्जेस है वो दे रहे हैं। अब उनसे वो थोड़ी ना वापस ले सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इररिकवरेबल कॉस्ट, ठीक है। तो संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, इररिकवरेबल कॉस्ट, सारे कॉस्ट का एक जिस्ट अगर देखो तो ये सब कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है जिसको हम लोग फिर से वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू पर्पस के लिए अलग अलग नाम से ही मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा है, ठीक है। तो जो भी नाम होता है ये आगे पीछे चलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हो, ओके स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, बोला नहीं
उसके बाद देखो, इसके बाद क्या बोला है, यहाँ एक एग्जाम्पल है ओवरऑल। देखो क्या बोला है, इन केस ए रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन WDB ऑफ ओल्ड मशीन इज ए संक कॉस्ट एंड डज नॉट इफेक्ट द डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट। मतलब क्या बोल रहा है, मान लो हम लोग के पास एक मशीन है, ठीक है, कितने का है, मान लो मशीन है 10,000 का, ठीक है। अब उस पर डिप्रिशिएशन लगेगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट पे तो डिप्रिशिएशन लगता है। मान लो डिप्रिशिएशन लगा 5,000 का, ठीक है, तो अब इसका बचा हुआ वैल्यू कितना रहा, 5,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू। अब बोल रहा है ये ओल्ड मशीन है, अब ये मशीन पुराना हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं इसको बेच देंगे, एक नया मशीन परचेस करेंगे, ठीक है। अब नया मशीन जब परचेस करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस मशीन को हम लोग फिर क्या करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे कि इसके बदले एक नया मशीन खरीद लेंगे। तो बोल रहा है कि ये जो बचा हुआ वैल्यू है ना, इसी को हम लोग संक कॉस्ट बोलेंगे। संक कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट चला गया जिसको रिकवर नहीं कर सकते। मतलब ये 5,000 जो है, अब ये मार्केट में कितने में बिकेगा हमें नहीं पता, 0 वैल्यू पे भी बिक सकता है, 4,000 पे भी बिक सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि ये जो WDV बचा हुआ वैल्यू है, हम लोग चाहे तो इसे रिकवर कर लेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट एंड डज नॉट इफेक्ट द डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट करते वक्त ये कॉस्ट हमें कोई डिसीजन नहीं दे सकता। जैसे मेरा AC लगा हुआ है, मान लो ये AC है तो नया, चलो अभी अगर पुराना हो जाता है 5-6 साल बाद, मुझे इस AC को बेचना है। अब बेच के कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अगर नया AC खरीदना है तो ये पुराने AC से हम थोड़ी ना डिसीजन ले सकते, क्योंकि कुछ साल बाद तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अभी जितने में खरीदा है 5 साल बाद उतने में मिले जरूरी नहीं है। आप कौन से कंपनी का लेंगे, क्या लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस पे अभी जो खर्चा कर दिया कर दिया, अब ये मेरा संक कॉस्ट बन गया, इसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। वही यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। फिर बोल रहा है शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट का मतलब क्या, तो शट डाउन मतलब बंद करना। जैसे मान लो हम लोग अपने बिजनेस को टेम्पोररी बंद कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मैंने स्टार देके लिख रखा है टेम्पोररी, ऐसा नहीं कि परमानेंटली। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारा बिजनेस टेम्पोररी बंद हो गया था, मतलब परमानेंटली नहीं हुआ था, लेकिन टेम्पोररी बंद होने के बाद भी कुछ खर्चा तो चल ही रहा था। जैसे मान लो किसी का रेंट का जगह था, ठीक है, तो क्या उसका रेंट बंद हो गया था, नहीं। कोई लोन ले रखा था तो क्या उसका लोन बंद हो गया था, नहीं। मतलब शटडाउन होने के बाद भी जो खर्चा हम लोग नहीं जो है बंद कर सकते हैं, ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट था उस पे डिप्रिसिएशन लग रहा था, तो यहाँ पर शटडाउन कॉस्ट का मतलब वही हो गया, दोस कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकट इवन व्हेन ए प्लांट इज टेम्पोररीली शट डाउन। प्लांट का मतलब फैक्ट्री का बात कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट तो जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सिंपली ऑल फिक्स्ड कॉस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग टेम्पोररी क्लोजर ऑफ ए प्लांट, जैसे कि रेंट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, फिक्स डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा। बोल रहा है कि टेम्पोररी अगर बिजनेस बंद भी हो रहा है, जो खर्चा हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे उसी को बोलते हैं शट डाउन, ठीक है। बेसिकली ये सब ना फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है मैंने बताया है इसके पहले वाले थ्योरी में, कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्शन के क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे प्रोडक्शन 1 यूनिट हो या 50 यूनिट, रेंट तो जो लगेगा वही लगेगा। मेरा ये रेंटेड जगह है, अब हम यहाँ 50 लोगों को पढ़ाए या 5 लोगों को पढ़ाए, रेंट मेरा वही लगेगा। अगर किसी अगर रेंट ले रखा है, किसी को नहीं भी पढ़ा है, तो मुझे उतना ही रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही हो गया। अब देखो एब्सोल्यूट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोसेस और यूनिट इन टोटलिटी। मतलब बोल रहा है कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट, या अगर हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर यूनिट इन टोटलिटी, द मिनिमम कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बियर टू रिमेन इन बिजनेस। एब्सोल्यूट कॉस्ट का मतलब हो जाता है मेनली वो कॉस्ट जो हमें एब्सोल्यूटली मतलब बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है, बेयर करना ही पड़ेगा जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं और कुछ यूनिट बना रहे इन टोटलिटी, ठीक है। मतलब जैसे मान लो मुझे फर्नीचर का बिजनेस है मेरा, तो हम लकड़ी से जो है फर्नीचर बना रहे, तो ये मेरा क्या हो गया, अब लकड़ी से फर्नीचर बनाने का जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, तो फिर उस प्रोडक्ट को बनाने का जो भी खर्चा हो रहा है, या फिर मान लो मेरा शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके प्रोसेसिंग में जो भी खर्चा होगा, 1 यूनिट बनाए या 50 यूनिट, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट, यानी कि वो मिनिमम खर्चा जो मुझे करना ही पड़ेगा अगर मुझे प्रोसेसिंग करना है तो। फिर देखो इंजीनियर्ड कॉस्ट, तो इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि मान लो
फर्नीचर बना रहे, तो वो भी तो इंजीनियरिंग है, लकड़ी को फर्नीचर में ट्रांसफर कर दिया। या फिर मान लो हम लोग जो है हमारा सोप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो साबुन बनाने के लिए केमिकल वगैरह लगता है, वो भी इंजीनियरिंग है, केमिकल से हम लोग साबुन बना दिए, ठीक है। या फिर मान लो कुछ और जैसे कि क्ले पॉट बना रहे, मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बना देना, या फिर ये लैपटॉप जो बना, ये ऐसे थोड़ी ना था, इसका अलग अलग पार्ट्स था, उस पार्ट्स को खरीद के इसको बनाया गया, तो वही बोल रहा है इंजीनियरिंग। तो बोल रहे इंजीनियरिंग कॉस्ट का मतलब हो जाता है सच कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम ए क्लियर कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि कुछ एक प्रोसेस को करना जिससे हमें इफेक्ट, यानी इफेक्ट मतलब तो होता है आउटपुट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। जैसे कॉज क्या है कि लकड़ी को काट के उसको शेप दिया, तो उससे ऐसा चीज भी बन सकता है, बेंच भी बन सकता है, चेयर भी बन सकता है, सोफा भी बन सकता है, वो तो इंजीनियर को पता है, ठीक है। कारपेंटर को पता है कि उसपे क्या इंजीनियरिंग मेथड लगाए कि कस्टमर को जो चाहिए वो बना के दे सकता है, तो वही बोल रहा है ये ऐसा एक कॉस्ट है रिजल्ट फ्रॉम ए क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में हम लोगों ने वुड दे दिया, आउटपुट में मान लो हमें मिल गया सोफा, ठीक है, हमें सोफा चाहिए था। तो कॉज क्या है कि कारपेंटर अपना दिमाग लगाया, कॉज है इंजीनियरिंग, ठीक है। कारपेंटर ने अपना दिमाग लगाया और उस लकड़ी को ट्रांसफर कर दिया सोफा के सेट में, ठीक है। तो इनपुट क्या है वुड, आउटपुट क्या है सोफा, ठीक है। तो वो हो गया इनपुट, क्या बोला है देखो, जैसे इनपुट में क्या हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने उड दिया है, लेकिन देखो सिर्फ लकड़ी से तो और सोफा नहीं बनेगा, लकड़ी खरीदना है, उसके बाद कारपेंटर को बुलाना है, कारपेंटर क्या हो जाएगा लेबर, ठीक है। इसके अलावा और भी खर्चा होगा, जैसे कि मान लो कीला वगैरह खरीदना है, ठीक है, जो है फेविकॉल वगैरह खरीदना है, काफी सारा चीज होगा, ठीक है, जो खरीदना पड़ेगा। तो वो सब पूरा एक साथ इंजीनियरिंग करके हम लोग उसे सोफा बना सकते हैं। आउटपुट में हमें क्या मिल सकता है, कार, मोबाइल, लैपटॉप, ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। तो कार बनाते हैं तो कार का रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, मोबाइल बनाओगे वैसा चीज चाहिए, लैपटॉप बनाओगे वैसा चीज चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो। नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट का मतलब हो गया वो कॉस्ट जो बिजनेस में हमें इनकट करना ही पड़ेगा। जैसे कि बोल रहा है कॉस्ट इनकट नॉर्मली एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली एट ए सिंपली द कॉस्ट इनकट अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन फॉर ए लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें नॉर्मल जो भी चीज लगता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कॉस्ट। जैसे मान लो कि घर पे खाना बनाओगे, तो घर पे खाना बनाओगे, अब अगर रोटी सब्जी बनाओगे तो उस तरीके का खर्चा होगा, आटा का खर्चा होगा, सब्जी जो बनाओगे उसका खर्चा होगा, जो मसाला स्पाइसेस वगैरह यूज करो उसका होगा। सेम तरीके से कार बनाओगे तो कार का इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मोबाइल बनाओगे तो मोबाइल से रिलेटेड चीजों का जरूरत होगा, लैपटॉप बनाओगे तो लैपटॉप। तो ये जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं नॉर्मली जो आउटपुट हम लोग पाना चाहते हैं, उस आउटपुट को पाने के लिए हमें जो भी खर्चा करना पड़ेगा वो हो जाता है नॉर्मल जो है कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि देखो कॉस्ट ऑफ पैकिंग इन द प्रोडक्ट, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट को पैक करके बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ मैंडेटरी पैकिंग होता है, पैकिंग भी दो तरीके का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है ऐसा पैकिंग जो नहीं किए बिना हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, जैसे कुछ लिक्विड सामान, जैसे कि मान लो तेल। अब तेल का पैकिंग कैसे हो सकता है, प्लास्टिक के बॉटल में भी तेल देता है, ठीक है, पाउच में भी देता है, पहले कांच वाले बॉटल में भी देता था, अभी भी देता है। तो कुछ सामान तो ऐसा है जो कि पैकिंग के बिना सेल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल कॉस्ट हो गया ना, कि मुझे अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक बिकता है तो कोल्ड ड्रिंक कैसे देगा किसी को, वो तो फिर पैकिंग तो जरूरत है उसपे, चाहे कैन दे टीना वाला या फिर उसपे जो है बॉटल दे प्लास्टिक का या कांच वाला बॉटल दे, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल कॉस्ट हो गया। अब एबनॉर्मल कॉस्ट आएगा। एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब जो हमारे मतलब इसका पार्ट नहीं था प्रोसेस का, लेकिन हमें करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि मान लो लॉस ऑफ मेटेरियल ड्यू टू फ्लड, हमारा फैक्ट्री जहां लगा हुआ था वहां मान लो फ्लड आ गया, यानी बाढ़ आ गया, ठीक है। अब अगर फ्लड आ गया तो मेटेरियल जो रखा हुआ था वो पूरा बह के खराब हो गया। अब ये क्या हो गया, एबनॉर्मल खर्चा। अब फिर से अगर मुझे बनाना है प्रोडक्ट तो फिर से मुझे नया मेटेरियल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो मेटेरियल मेरा खराब हो गया। तो उसके लिए हम जो कॉस्ट इनकट करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉस्ट। जैसे खाना बनाते हुए मान लो सब्जी जला दिया, अब जला दिया फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर दोबारा से सारी चीजों को खरीदने का जो खर्चा हो जाएगा वो एबनॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि वो हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं था, वो तो गलती की वजह से खर्चा करना पड़ रहा है। तो वैसे ही
कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकट एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन इन विच दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली अटेन्ड इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो लॉस को कहाँ चार्ज किया जाएगा, पीएल में चार्ज किया जाता है. लॉस इस तरीके का लॉस हम लोग कभी कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट बना के बेचना है ना, क्यों नहीं कर सकते. अब हम बोलेंगे फ्लड की वजह से मेरा मेटेरियल लॉस हो गया, तो हम जो प्रोडक्ट बेचते थे 10 रुपए में वो हम सोच रहे हैं 15 रुपए में बेचेंगे, कोई नहीं लेगा क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई तो होगा जो उसे 10 रुपए में बेचेगा. सभी अब मेरा ये लॉस है, ये अपना लॉस. अब जैसे देखो रेस्टोरेंट है बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस है, खाना चल गया बोल के क्या खाना पर प्लेट ज्यादा करके बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं, अपना नुकसान है अपना उठाओ. तो फिर कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, पीएल में. और कॉस्टिंग में बनने वाले पीएल को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग. ठीक है, तो ये हो गया एबनॉर्मल कॉस्ट. फिर है रेलिवेंट कॉस्ट. रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट दैट चेंज विद ईच डिसीजन वी मेक. ठीक है, मतलब हम लोग हर बार जो डिसीजन लेते हैं हर डिसीजन के साथ जो कॉस्ट हम लोग का चेंज हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट. जैसे कि रेलिवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट कैन बी डीम्ड अवॉइडेबल ओनली व्हेन मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन. व्हेन एनी बिजनेस डिसीजन इज बीइंग मेड द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टरवर्ड आर रेलिवेंट कॉस्ट. मतलब क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है, जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो हम लोग बहुत तरीके का खर्चा सोचते हैं कि ये खर्चा हो सकता है, वो खर्चा हो सकता है, ये नहीं भी करने से चलेगा, वो नहीं भी करने से चलेगा. तो उसको बोलते हैं डीम्ड अवॉइडेबल. डीम्ड क्यों, क्योंकि अभी तो सोच रहे नहीं करने से चलेगा, वो तो जब हम लोग प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे तब पता चलेगा कि सच में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. ठीक है, अब वही बोल रहा है रिलेवेंट कॉस्ट कोई भी कॉस्ट हो सकता है जो हम लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में अवॉइड कर देंगे ओनली व्हेन मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन. जब हम लोग कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये खर्चा शायद ना भी करना पड़े. व्हेन एनी बिजनेस डिसीजन इज बीइंग मेड, लेकिन सच में जब हम लोग बिजनेस डिसीजन ले चुके हैं द कॉस्ट इनकर्ड आफ्टरवर्ड, उसके बाद जो खर्चा हमें इनकर्ड करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट. ठीक है, रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगा. जैसे देखो तुम लोग कोई सीए करोगे, कोई सीएस करोगे, कोई सीएमए करोगे, कर रहे हो. ठीक है, तो अब वो करने के पहले तुम लोग एक खर्चा एस्टिमेट करोगे कि भाई हम लोग ऐसे कोलकाता जाके पढ़ेंगे या जो भी हो तो हमारा ये खर्चा होगा, ये शायद नहीं होगा. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. जब आ रहे हो पढ़ने के लिए तब काफी सारा खर्चा जो सोचे थे वो नहीं हुआ, जो नहीं सोचे थे वो हुआ. ठीक है, तो एक्चुअली डिसीजन लेने के बाद जो खर्चा तुम लोगों ने कर दिया है उसको हम लोग बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट. ठीक है, अब इररेलीवेंट कॉस्ट क्या होता है, इट इज एनी कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड और अकाउंटेड फॉर व्हेन मेकिंग ए बिजनेस डिसीजन. बोल रहा है कि ये वैसा कॉस्ट है जो ऑलरेडी बीन पेड, हम लोग पे कर चुके हैं, और अकाउंटेड फॉर व्हेन मेकिंग ए बिजनेस डिसीजन. एज ए बिजनेस ओनर देयर इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी placed on reducing business expense as much as possible. It cannot be avoided. So more attention is placed on relevant cost. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, irrelevant cost का मतलब ये हो गया कि जो खर्चा हम लोग कर चुके हैं अपने बिजनेस डिसीजन को लेने के बाद. ठीक है, जो खर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो एज ए बिजनेस ओनर हम लोग का प्रायोरिटी हमेशा रहता है कि जितना खर्चा कम कर दिया जाए उतना अच्छा. ठीक है, मतलब जितना पॉसिबल हो. ठीक है, जितना पॉसिबल हो कि हम लोग खर्चा कम करेंगे, लेकिन ये अवॉइड नहीं कर सकते हैं. मतलब तुम लोग ये नहीं, कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि बिना कुछ खर्चा किए हमें कुछ मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि कुछ देने से ही कुछ मिलेगा. जैसे देखो तुम लोग अभी स्टूडेंट हो, तुम लोग के साथ पढ़ाई लिखाई का बात, मतलब पैसे का बात नहीं है. तुम लोग को क्या करना है कि हम जितना टाइम देंगे पढ़ने में मुझे उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा. ठीक है, जितना कम दोगे कम रिटर्न, ज्यादा दोगे ज्यादा रिटर्न. तुम लोग के साथ तो पैसे वाला कंडीशन नहीं आएगा. वैसे ही बिजनेसमैन के साथ क्या होता है कि उसको भी ये देखना है कि वो जो खर्चा बिल्कुल मतलब करना ही है. ठीक है, वो तो उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन वो चाहेगा कि जितना खर्चा जो है कम कर दिया जाए उतना अच्छा. लेकिन कुछ अवॉइड नहीं कर सकता है, फुल्ली अवॉइड नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ खर्चा तो उसे करना ही पड़ेगा. बिना जीरो खर्चा के वो कैसे बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जीरो खर्चा की हम लोग कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं होगा. ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा. तो वो जो कुछ ना कुछ खर्चा है उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर जो है, मतलब रेलिवेंट कॉस्ट तक पहुंचने के लिए जो खर्चा हमें करना ही पड़ेगा. ठीक है, और इररेलिवेंट कॉस्ट, ये देखो यहां हम लोगों ने रेलिवेंट पढ़ा ना, रेलिवेंट का मतलब हो गया जो खर्चा हम लोगों ने डिसीजन लेने के बाद करने का सोचा है, जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो खर्चा हम लोग सोचेंगे कि कम से कम किया जाए, मतलब जितना हम लोग छांट सकते हैं उस खर्चे को हम लोग बोलेंगे इररेलिवेंट कॉस्ट, कि ये नहीं भी करेंगे तो भी हमारा चल जाएगा.
यहाँ पर दिया है देखो, बोथ द रेलिवेंट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन ए कंपनीज कैश फ्लो. जब तुम लोग कैश फ्लो आई थिंक 12 में सभी का होता है, चाहे कोई भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करे, कैश फ्लो जो है कैश फ्लो में कभी भी रेलिवेंट इररिलेवेंट कॉस्ट नहीं आता एंड आर नॉट यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस. तो नॉर्मली अकाउंटिंग में ये रेलिवेंट इररिलेवेंट कॉस्ट का बात नहीं आता है. बिजनेस ओनर्स एंड डिसीजन मेकर्स लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन रेलिवेंट कॉस्ट व्हेन कंसिडरिंग पेंडिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन. बोल रहा है कि अगर हमें किसी चीज पे ध्यान देना है तो वो रेलिवेंट कॉस्ट पे ही देना है जब हम लोग बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो. और उसके बाद यहाँ कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है. ये सब हम लोगों ने स्टार्टिंग में तीनों अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था. और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बस ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट हम पहले बता चुके हैं और पहले वाले जगह पे भी लिखा हुआ था. तो तुम लोग को कहाँ तक नोट डाउन करना है, ये यहाँ तक नोट डाउन करना है. इसके बाद भी इसमें काफी सारा चीज है लेकिन वो तुम लोग के लिए रेलिवेंट नहीं है. यहाँ तक नोट डाउन करना है. ये डिफरेंसेस हम और नहीं पढ़ा रहे इसीलिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. तो डिफरेंसेस तो डायरेक्टली वैसे लिखने देगा नहीं, ठीक है. मतलब जिनका एमसीक्यू है, पॉइंट एक एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़े थे. तो थियोरिटिकल पार्ट हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है. लगभग क्या, जो भी है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग जो है यहाँ से आज तुम लोग का जो मैट है वहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट शीट, ठीक है. जो कि हम लोग का क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा आता है, ठीक है. कॉस्ट शीट पढ़ने का कॉस्ट शीट पढ़ना, कॉस्ट शीट, ठीक है. अब ये कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट का मतलब ऐसा एक स्टेटमेंट या शीट या फॉर्मेट जो हम लोग बना के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितना हुआ. तो हम तुम लोग के यहाँ से ही दिखा देते क्या फॉर्मेट होता है. तो बेसिकली कॉस्ट शीट जो है वो हम लोग का कॉस्ट का जो फंक्शनल डिवाइडेशन था, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तुम लोग को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता. कॉस्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, काफी सारा चीज था. तो कॉस्ट शीट कौन से वाले बेसिस पे बनता है? बोल रहा है कि फंक्शनल बेसिस पे बनता है. फंक्शनल बेसिस पे कॉस्ट कितने तरीके का होता है? फंक्शन चार जगह पे होता है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीन जगह पे होता है मेनली, ठीक है. अब कॉस्ट शीट में क्या क्या बनेगा? सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल, फिर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक. चलो हम दिखा देते लिख के, ये एक बार लिख लो. कॉस्ट शीट में हमारा फॉर्मेट जो है उसमें रहेगा डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट शीट का मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने का खर्चा कितना है. तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम. तो मेटेरियल कंज्यूम, ये जो डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम है ये कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं. डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम का मतलब हम लोगों ने कितना मेटेरियल यूज किया. तो जैसे तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करते हो वैसा ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा, परचेज के साथ मुझे लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस ये हो गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक. मतलब सीधा बात है, मान लो मेरे पास पहले से ही गोडाउन में 5 यूनिट रॉ मेटेरियल पड़ा हुआ है, मैंने और 10 यूनिट रॉ मेटेरियल खरीद लिया, ठीक है. और मेरे पास अभी टोटल कितना हो गया? 15 यूनिट. लेकिन मैंने फिर गोडाउन में जब चेक किया देखा मेरे पास 2 ही यूनिट अभी बचा हुआ है, मतलब मैंने 13 यूनिट मेटेरियल को यूज किया है प्रोडक्ट को बनाने में. इसी को बोलते हैं रॉ मेटेरियल कंज्यूम, ठीक है. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये सेम चीज तुम लोग ट्रेडिंग में करते हो, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, टू परचेज लिखते हो, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ये लिखते हो फाइनल अकाउंट्स में, और इधर लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसके साथ साथ सेल भी लिखते हो. वही सेम चीज लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में होगा. फिर यहाँ पर एड होगा नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, ठीक है. डायरेक्ट लेबर क्या होता है ये सब हम बता चुके हैं. डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो लेबर नहीं आए तो हमारा काम बंद हो जाए, ठीक है. जैसे कि कारपेंटर, अगर हम लोग फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं. फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस ये सब थियोरिटिकली बोला हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह क्या होता है. तो और बार बार क्या बोले, ये सब ऐड करने से जो खर्चा निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. ये सब नाम याद रखना है कॉस्ट शीट में, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट का मतलब पहला पहला खर्चा, ठीक है. फिर ऐड होगा इसके बाद
जैसे ही हम लोग ये सारी चीज जुगाड़ कर लिया, अब फैक्ट्री में जाना है प्रोडक्शन के लिए, तो इसके बाद का जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि वर्क्स, प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। और मैंने बोला था जो खर्चा हम लोग डायरेक्टली वन यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसे हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ये हो गया, ठीक है। बाकी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये सब ऐड करने से आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग WIP। WIP का मतलब यहां लिख देते हैं, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि पिछले साल का आधा अधूरा काम जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे मान लो हम लोग जो है कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करते हैं, अब कैलकुलेटर का जो ढांचा है उसमें बटन वगैरह, वो डिस्प्ले का जगह वो सब रहता है, तो मान लो कुछ कैलकुलेटर पिछले साल का ऐसा बना हुआ है जिसमें बटन नहीं लगा हुआ है, बाकी सारा चीज लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको इस बार हमें कंप्लीट फिनिश गुड्स में बनाना है, तो वो हम लोग ऐड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग WIP, आधा अधूरा बना हुआ गुड्स। और इस बार का भी हमारा कुछ जो है आधा अधूरा बना हुआ गुड्स हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP को हमें कर देना है माइनस। क्यों? सिंपल सा बात है, इस बार का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें प्रीवियस ईयर का कुछ अगर आधा अधूरा गुड्स है उसको कंप्लीट करेंगे तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और इस साल का अगर कुछ आधा अधूरा गुड्स रह गया है तो उसे हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके ये बताना है कि फिनिश गुड्स का खर्चा कितना है, तो हमें WIP नहीं चाहिए होता है। तो क्लोजिंग WIP जो आधा अधूरा बना हुआ गुड्स है उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का आधा अधूरा है उसको ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको इस बार कंप्लीट करेंगे। ये सब मिला के जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री का खर्चा हो गया, फैक्ट्री के बाद ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड को O.H लिख रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होने से जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सब नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन से स्टेज के बाद कौन सा खर्चा निकल के आता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा यानी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं, जिन्हें सैलरी वगैरह मिलता है, अकाउंटेंट वगैरह, सुपरवाइजर वगैरह, उनका भी पेमेंट, उनका भी खर्चा, उनके ऊपर किया गया खर्चा भी तो हमें प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है। तो वही खर्चा यहाँ पर ऐड होगा, तो उसको हम लोग इसके बाद स्टेज जो होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। प्रीवियस ईयर का अगर कोई फिनिश्ड गुड्स है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? इस साल का फिनिश गुड्स और प्रीवियस ईयर का फिनिश गुड्स जो नहीं बिका था, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करने से आ जाएगा टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर जो नहीं बिका वो लेस कर देंगे, तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स F.G लिख दिया, तो यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मतलब मार्केटिंग का खर्च। तो यहां पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब बिकवाने का खर्चा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बता दे कि हाँ हम लोग इस प्रोडक्ट को बेच के इतना प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो वो प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा सेल्स वैल्यू, ठीक है। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग बनाते हो जस्ट लाइक दैट, वही होगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज होगा।
तो सबसे पहले आ जाएगा सारा डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट। जैसे सिंपल सोचो कि अगर हम लोग कोई फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो पहले लकड़ी खरीदेंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ रहेगा तो वो यूज करेंगे, उसके बाद फैक्ट्री में ले जाके उसको प्रोड्यूस करेंगे तो देखेंगे कितना खर्चा हुआ। प्रीवियस ईयर का कुछ आधा अधूरा जो है फर्नीचर था तो उसे इस बार कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे टोटल खर्चा कितना हुआ, और उसमें से इस बार जितना आधा अधूरा फर्नीचर है वो हटा देंगे क्योंकि वो तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है फुल्ली, तो हमें मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम लोग देखेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जिन लोगों को रखा है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए वो भी हमें जो है वो फर्नीचर के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा वो खर्चा, तभी तो कस्टमर से रिकवर कर पाएंगे क्योंकि सेल प्राइस में तो ऐड ऑन करना है ना, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अगर प्रीवियस ईयर का कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कितना गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, और उसमें से जितना नहीं बिका यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट कितना है। फिर उस पे ऐड करेंगे मार्केटिंग का खर्चा जिसको बोला जाता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट, और फिर उस पे प्रॉफिट ऐड करके हमारे पास सेल्स वैल्यू आ जाएगा। तो इसी चीज पे बेस्ड है हम लोग का कॉस्ट शीट का जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ये पूरा अगर हम लोग जो है समझ के याद करना चाहिए आगे जाके भी ये काम आएगा, अभी तो थोड़ा सा स्मॉल फॉर्मेट में है, आगे जाओगे तो और भी ब्रॉडर फॉर्मेट में ये चीज दिखेगा। अच्छा अब देखते हैं, देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज, हम लोग को बोला है ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हमें परचेज फाइंड आउट करके देना है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो अभी मैंने तुम लोग को सिखाया कि रॉ मेटेरियल कंज्यूम क्या होता है, मतलब हम लोगों ने कितना मेटेरियल यूज किया, तो यूज क्या कर सकते हैं, मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक था जो खरीदा वो दोनों में से यूज कर सकते हैं, और अगर कुछ बच गया तो वो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना 28,000 होगा, तो ये निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा इलास्ट्रेशन वन, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज माइनस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होगा तो लिखना पड़ेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। अब जो भी दिया हुआ है वो हमें यूज करना है, जैसे कि रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड है 26,500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल है 3,000, परचेज भी हम लोग को दिया हुआ है 4,000, नहीं परचेज तो निकालना है, ठीक है परचेज निकालना है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, जीरो मान लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 4,500, तो यहाँ पर हो गया 26,500 इक्वल टू ये हो जाएगा परचेज माइनस 1,500, तो परचेज इक्वल टू 26,500 प्लस 28, तो हम लोगों ने 28,000 का परचेज किया था। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, परचेज करते वक्त अगर हम लोग कुछ खर्चा करें लाइक कैरेज इनवर्ड वगैरह, कुछ वेजेस, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, रॉ मेटेरियल का, वो सब होता है, वो है नहीं इस क्वेश्चन में तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, इलास्ट्रेशन टू, इसमें क्या दिया, बोल रहे प्राइम कॉस्ट 33,500, डेप्रिसिएशन 1,500, फैक्ट्री रेंट 200% ऑफ डेप्रिसिएशन, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अभी थोड़े देर पहले मैंने जो तुम लोग को फॉर्मेट लिखवाया है वहां पर देख लो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है तो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्राइम कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 33,500, ये पॉइंट मुझे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है और इसमें प्राइम कॉस्ट में जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब खर्चा, खर्चा ऐड करने के बाद जो दिखता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है तो जैसे हम लोगों ने मेटेरियल खरीदा तो मेटेरियल का खर्चा होता है, अब मेटेरियल लेबर एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाला ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट होता है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे ये वाला निकालना है, और मुझे फैक्ट्री का एक्सपेंसेस भी बताया है। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री, अब फैक्ट्री का क्या क्या खर्चा होता है, फैक्ट्री रिलेटेड सारा खर्चा हो सकता है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में लगे हुए प्लांट
या फिर फर्नीचर तो होगा नहीं, प्लांट वगैरह का डिप्रिशिएशन, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट होगा, फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं उनका खर्चा, तो ये देखो फैक्ट्री का सुपरवाइजर का खर्चा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो डिप्रिशिएशन, फैक्ट्री रेट, ये दो खर्चा हमें बताया है, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोला है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग को निकाल के देना है फैक्ट्री का फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड करके, प्राइम कॉस्ट के साथ अगर तुम लोग कॉस्ट शीट देखोगे तो वही लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब बीच में जो वो लिखा हुआ है ना ओपनिंग WIP वगैरह, वो तो देखो क्वेश्चन में होगा तो लेंगे, अगर मान लो ओपनिंग कुछ है ही नहीं तो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कितना है, 33,500, ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास क्या क्या है, डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री रेंट है, ये देखो डेप्रिसिएशन है और फैक्ट्री रेंट है, मैंने दोनों डेटा भी यहाँ पर लिख दिया क्या क्या है हम लोग के पास, और ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट हमें निकालने बोला है, ठीक है। अब ये भी गिवन है, देखो डेप्रिसिएशन भी गिवन है, फैक्ट्री रेंट भी गिवन है, डेप्रिसिएशन कितना है 1500 क्वेश्चन में गिवन है, और फैक्ट्री रेंट कितना बोला है, बोला है कि 200% ऑफ डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन कितना है 50, हाँ इसका 200% करना है, 3000 हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया 33,500 प्लस कर दो 1500 प्लस कर दो 3000, जितना आएगा ₹38,000 फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अच्छा तो फिर देखो इलास्ट्रेशन 3, हम लोग को बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बता दिया, डिस्काउंट ऑन सेल्स बता दिया है 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बिका उसका खर्चा, ठीक है। तो अगर तुम लोग फॉर्मेट देखोगे, अभी देखो फॉर्मेट तो समझ में आएगा कि वहां पर हम लोगों ने किया क्या है, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ये देखो क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके साथ अगर हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमें क्वेश्चन में तो यही तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, ये देखो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और उसके बाद ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला है, तो दोनों में रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कैसे निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जितना गुड्स हम लोगों ने बेच दिया, अब जितना बेचा उस पे मार्केटिंग का खर्चा लगता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उससे पहले रिलेशन बिल्डअप करेंगे और बाकी खर्चा हम लोग वहां पर देखेंगे कैसे ऐड होगा, तो पहले ये लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया देखो इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं SDOH, ये होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 37,416, तो इधर लिख 37,416, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट कौन सा खर्चा होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया शॉर्ट में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, एक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम लिख देते हैं ताकि बाद में जब देखोगे समझ में आ जाएगा, और डिस्काउंट ऑन सेल्स बोला है, ठीक है, तो ये भी ऐड हो जाएगा डिस्काउंट ऑन सेल्स, क्योंकि ये भी तो मार्केटिंग पॉलिसी है कि हम लोग डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अच्छा डिस्काउंट ऑन सेल्स बोला है 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। हम लोग को COGS निकालने बोला है, तो COGS प्लस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बोला है 600, तो लिखो 600। डिस्काउंट कितना बोला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का 50%, मतलब हाँ 300, 37,416, ठीक है। अब COGS कितना हो जाएगा 600 प्लस 300 प्लस 37 प्लस नहीं सॉरी इक्वल
37,416, तो COGS हो जाएगा 37,416 माइनस 9 है 36,560, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, बस कॉस्ट शीट को समझ लेना है और उसके हिसाब से जैसे बनेगा वैसे तुम लोगों को पूछेगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं पूछता। अब इलास्ट्रेशन 4 देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट 3,95,000। फैक्ट्री कॉस्ट कब मिलता है? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी हमें फैक्ट्री कॉस्ट बता रखा है। बोल रहा है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट विच इज 7.31% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो हम लोग को ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालने के लिए बोला है। फाइंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट विच इज 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो निकाल लो फैक्ट्री कॉस्ट तो बता ही दिया है 3,95,000, उसका कितना परसेंट है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 7.315%, तो 3,95,000 × 7.315% करने से जितना आएगा उतना निकालना पड़ेगा। ये तो एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन दे दिया है हम लोग को, बता दिया है यहाँ पर। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला है 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, और हमें बोला है ये खर्चा निकाल के बताओ, तो फैक्ट्री कॉस्ट तो गिवन है, अगर गिवन नहीं होता तो हमें कुछ मेहनत करना पड़ता, ये बता ही दिया है। कितना बताया है? 3,95,000, 3,95,000, तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, उतना ही 0.1 में आएगा शायद। टू एट एट नाइन 4.25, ये बता दिया था। क्या करना है सिंपल, उसी को तुम लोग को रिराइट करके लिख देना, ये खर्चा इस खर्चे का इतना परसेंट है, तो ये खर्चा इसका अमाउंट भी बता दिया, उसका परसेंटेज कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करें, ठीक है। चल अब नेक्स्ट 5th नंबर। इसमें क्या बोला है? बोल रहा है कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो ग्रॉस से नेट फैक्ट्री कॉस्ट में कैसे आते हैं, अगर तुम लोग अपने कॉपी में देखोगे अभी लिखवाया है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में, अगर हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP और लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP, तो हमें मिलता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोल रखा है 58,000, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल रखा है 54,000, हम लोग को बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये भी दे रखा है 8,000, बोला है क्लोजिंग वाला निकालो, तो इस फॉर्मेट में डालना है निकाल लेना है, ठीक है। अभी अभी लिखवाया है, देखो जी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP करने से नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है, सारा डेटा बता रखा है, तुम लोग को क्लोजिंग वाला निकाल के बताना है, निकालो। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, हम लोगों ने अभी अभी लिखा है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP करने से आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। हम ऐसे लाइन बाय लाइन लिख रहे, तुम लोग चाहो तो स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो, ये देखो अभी लिखवाया हुआ है, कुछ नया नहीं है, ये रहा यहां से यहां, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इस पे डेटा पुट करते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 58,000, ओपनिंग भी दिया हुआ है 8,000, बोला क्लोजिंग वाला बता दो तो निकाल लेंगे, नेट भी बता दिया है 54,000, क्वेश्चन में देखो तीनों चीज हमें बता रखा है, ठीक है। अच्छा माइनस करने से पता चल जाएगा, तो ये हो गया 58 + 8 कितना हो जाएगा 66,000 माइनस क्लोजिंग WIP इक्वल टू 54,000, तो 66 इधर ट्रांसफर कर देते मतलब ये हो जाएगा 66,000 माइनस 54,000 इक्वल टू क्लोजिंग WIP, देयरफॉर क्लोजिंग WIP कितना हो जाएगा माइनस करके देखो 12,000, ठीक है ये आ गया 12,000। इलास्ट्रेशन 6 बोल रहा है प्राइम कॉस्ट 41,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर 6,000 अनस्किल्ड लेबर 2,000,
सीधा बात है, प्राइम कॉस्ट कैसे आता है? अगर तुम लोग अपना फॉर्मेट देखोगे तो डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से आता है प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट बोल रखा है 41,000, डायरेक्ट लेबर बोला है 6,000 स्किल्ड और 2,000 अनस्किल्ड, मतलब इसका वैल्यू हो गया 8,000 दोनों मिला के। वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड का मतलब, ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट खर्चा तीन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो इनडायरेक्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट, और जो हम लोग का फैक्ट्री है वो भी इनडायरेक्ट। सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि जो, अब यहाँ पर ओवरहेड का नाम नहीं दिया है, फंक्शन बेसिस पे, वेरिएबल और फिक्स्ड बेसिस पे बता रखा है, तो ओवरहेड हमेशा प्राइम कॉस्ट के बाद ही लगेगा, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद ही इनडायरेक्ट खर्चा आता है, डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट खर्चा आता है। तो वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस करना है, मतलब 8,000 का 100%, और फिक्स्ड ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 8,000 का 60%, 60%। सेल ऑफ स्क्रैप इज 1,800, फाइंड वर्क्स कॉस्ट। हम लोग को वर्क्स कॉस्ट निकालने, वर्क्स कॉस्ट कैसे निकलता है देखो, लिखा हुआ है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या लगाएंगे तो निकलेगा, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। हम दिखा देते हैं कहां लिखवाया है मैंने, ये देखो मैंने क्या लिखा है, वर्क्स प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, वो ऐड करने से आता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट का और क्या नाम हो सकता है, वर्क्स कॉस्ट भी होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगा, सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, मतलब ग्रॉस इसमें भी रहेगा। तो अगर फैक्ट्री ओवरहेड का और दो नाम है, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट का भी सिमिलर दो नाम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये, हाँ, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड आउट करके इनको क्या देना है, फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। चलो फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि फाइंड आउट वर्क्स कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट हो या फैक्ट्री कॉस्ट हो या प्रोडक्शन कॉस्ट हो, एक ही बात है। अब ये कैसे निकलता है, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करने से निकलता है, फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर बोल सकते हो वर्क्स ओवरहेड, या फिर बोल सकते हो प्रोडक्शन ओवरहेड, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं प्राइम कॉस्ट क्या दिया हुआ है मुझे, बिल्कुल दिया हुआ है 41,000, लिखो 41,000। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कैसे बोला है, बोल रहा है ओवरहेड, फैक्ट्री का भी नाम नहीं दिया है, ओवरहेड में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं दिया, सेलिंग भी नहीं दिया है, ओवरहेड को सिर्फ जो है वेरिएबल और फिक्स्ड में बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरहेड के नीचे लिखेंगे हमारे पास क्या क्या ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, नाम लिख दे रहे ताकि जब भी क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, और एक बोला है सेल ऑफ स्क्रैप। तो सेल ऑफ स्क्रैप लेस होगा, क्यों होगा, देखो सेल ऑफ स्क्रैप लेस इसीलिए होगा कि मैंने अगर कोई खर्चा किया है फैक्ट्री में, ठीक है, जैसे मान लो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा था तो जो रॉ मटेरियल यूज हुआ, मान लो लकड़ी जो फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है, अब लकड़ी को छीला जाता है, ठीक है, तो उससे जो भी कचरा वगैरह मिल रहा है, मान लो कोई उसे यूज कर लेगा, दूसरे किसी प्रोसेस में यूज होगा, तो वो कोई आके स्क्रैप के भाव में लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो जो लेके चला गया तो मेरा खर्चा कम हो गया ना फैक्ट्री का, कि मेरा इतना खर्चा हो रहा था, अब उसमें अगर मेरा सेल ऑफ स्क्रैप हो गया तो मेरा उतना खर्चा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे घर पे पेपर खरीदते हो मान लो, ठीक है, अब पेपर पुराना हो जाता है तो बेच देते हैं स्क्रैप वाले को, तो बेचने से पैसा मिलेगा। अब पेपर वाला बिल थमाया 500 रुपए का, अब पुराना पेपर बेच के 100 रुपए आया था मान लेते हैं, तो फिर हमें कितना देना पड़ेगा, पेपर वाले को 500 ही देंगे, लेकिन 100 रुपए वहां से मिल गया स्क्रैप बेच के, तो अपने पॉकेट से कितना देना पड़ेगा, 400 रुपए, तो हुआ ना खर्चा कम। तो यहाँ पर भी वही है, ठीक है, तो वर्क्स कॉस्ट निकाल रहे, चलो यहाँ पर सेल ऑफ स्क्रैप बता दिया 41,000। वेरिएबल खर्चा कैसे लेने बोला है, वेरिएबल खर्चा बोला है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 100% ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है, दो तरीके का डायरेक्ट है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो 6,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 8,000, और फिक्स्ड ओवरहेड बोला है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इनटू 8,000, वही डायरेक्ट वेजेस तो अमाउंट तो वही रह रहा है हम लोग का 1,800 लेस। अब चेक करो कितना आएगा ये सब कैलकुलेट करने से, तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा 100% मतलब 8,000 ही होगा, 60% मतलब 4,800 होगा शायद, और 1,800, तो ये हो गया 49, और ये हो जाएगा 3,000, 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52,000 हो जाएगा, ठीक है।
ये हम लोग का हो गया वर्क्स कॉस्ट। इलास्ट्रेशन से देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस व्हिच यू वुड डिस रिगार्डिंग एस्टिमेटिंग कॉस्ट। बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस बोला है, बोल रहा है वो सारे एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट बनाओ एक, जो एक्सपेंसेस हम लोग कॉस्ट में कैलकुलेट करने के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का रेंट का खर्चा, हाँ ये तो लेते हैं, वो कहाँ लेते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ठीक है। बैड डेट हुआ है तो बैड डेट देखो कॉस्ट शीट में क्या आता है, प्रोडक्ट को प्रिपरेशन करने से लेके उसकी सेल वैल्यू डिसाइड करने तक, आफ्टर सेल कुछ भी हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो बैड डेब्ट कब होगा, सेल करने के बाद, अगर सेल करने के बाद कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो होता है बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट कौन अकाउंट करता है, जो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट वाले का काम क्या है, ये एस्टिमेट करना कि एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा क्या है, मतलब प्रोसेसिंग कॉस्ट, और एस्टिमेटेड उसका सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसके बाद या इसके आगे जो भी होगा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया बैड डेट, बेचने के बाद बैड डेट हो सकता है, तो बैड डेट हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। फिर बोला है यहाँ पर देखो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब ये कौन सा डिस्काउंट अलाउड है वो देखना है, अगर ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन एक कैश डिस्काउंट भी होता है ना कि इंस्टेंट, जैसे जो तुम लोग पीएल में लिखते हो डिस्काउंट रिसीप्ट और डिस्काउंट अलाउड, मतलब हम लोगों ने जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, हम लोग अगर टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिबेट, ठीक है। तो ये जो या फिर डिले करते हैं तो क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, ठीक है। और कभी कभी सेटलमेंट कम या ज्यादा में होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसिप्ट होता है। तो ये सब है जो है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब अर्ली पेमेंट, अगर हम लोग अपने क्रेडिटर को टाइम से पहले पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा। तो ये डिस्काउंट कभी भी इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो फिर ये जो डिस्काउंट अलाउड है, जो तुम लोग पीएल में लिखते हो टू डिस्काउंट अलाउड बोल के, वो भी आफ्टर सेल आइटम है कि बेचने के बाद कोई अगर मुझे टाइम से पहले पैसा दे दिया तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो ये वाला भी मेरा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, ये वाला भी मेरा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। फिर यहाँ पर बोला है बैंक चार्जेस एंड डोनेशन 150, ठीक है। डोनेशन अच्छा बैंक चार्जेस 100 और डोनेशन 150। तो बैंक चार्जेस जो है उसको लेके थोड़ा कंफ्लिक्ट होता है। देखो बैंक चार्जेस नॉर्मली पहले क्या होता था, जब कॉस्ट शीट बनाते थे तो ऐसा रूल्स था कि बैंक चार्जेस हम लोग नहीं लेंगे कॉस्ट शीट के अंदर, लेकिन अभी बोल रहा है कि बैंक चार्जेस कॉस्ट शीट के अंदर लेना चाहिए तो हम लोग लेंगे, और डोनेशन नहीं लेंगे क्योंकि डोनेशन हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेटेड नहीं है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेटेड है वो लेना पड़ेगा। यहाँ तुम लोग का एक लिस्ट बना हुआ है लेकिन लिस्ट तो रटना पॉसिबल नहीं है, और ये कोई एकलौता लिस्ट नहीं है कि तुम लोग करोगे। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है इनकम टैक्स, ये क्यों नहीं आएगा कॉस्ट शीट में, क्योंकि इनकम टैक्स हम लोग कब देते हैं, जब बिजनेस करके प्रॉफिट कमाते हैं, तो आफ्टर सेल आइटम। डिविडेंड शेयर होल्डर को कब देते हैं, अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को तो जो है मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते अगर प्रॉफिट कम हुआ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड बेसिस पे देना पड़ता है, तो ये भी आफ्टर सेल, मतलब ये प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है। फिर बोल रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर और डिवेंचर, अगर हम लोग शेयर डिवेंचर इशू किए हैं और उसको रिडीम करें, मतलब रीपे करें, डिवेंचर लोन होता है, ठीक है, लोन अगर रीपे कर रहे हैं तो अगर प्रीमियम पे करें, मान लो मैंने किसी से 100 रुपए लिए उसको 110 रुपए लौटाया, तो वो सब जो है आफ्टर सेल आइटम है। कैपिटल लॉस, जैसे बेच के कोई लॉस हो गया, ठीक है, वो भी आफ्टर सेल आइटम। इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर और बैंक इंटरेस्ट, हम लोगों ने कोई लोन लिया तो लोन तो बिजनेस शुरू के पहले भी ले सकते हैं, प्रोडक्शन करो या ना करो लोन का इंटरेस्ट तो भरते जाना है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है। डोनेशन, वो भी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा क्योंकि डोनेशन कॉस्ट शीट का पार्ट बस उतना होगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेटेड है। देख सकते हो ये कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ रिलेटेड नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हम लोगों ने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, वो डिस्काउंट ऑन शेयर और डिवेंचर, जब शेयर या डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे इशू किया, तो ये सब तो तुम लोग का है नहीं अभी, ठीक है। जिनका है उनको हम करवाते हैं डिस्काउंट पे। शेयर 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 का अकाउंटिंग 12 में पढ़े होगे, तो शेयर पार पे इशू होता है, प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे होता है, तो डिस्काउंट पे इशू करा शेयर डिवेंचर, वो भी हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्टर, हम अपने कंपनी के जो डायरेक्टर है उनको कमीशन दिया, हम लोगों ने अंडर राइटिंग कमीशन दिया, अंडर राइटिंग कमीशन मतलब कंपनी जब शेयर इशू करती है, ये
मैंने ज्वाइंट वेंचर में तुम लोग को बताया था, अंडरराइटर का मतलब होता है वो लोग जो शेयर बिकवाने का काम करते हैं। इस पे तुम लोग का ज्वाइंट वेंचर में दो क्वेश्चन था, वहां पर अंडरराइटिंग मैंने बताया था क्या होता है। अगर हम लोग गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं अपने बिजनेस का या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये सब नहीं आएगा। तो देखो ये रट के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इकलौता लिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि ए से क्यू तक ही होता है। वो तो पढ़ के खुद को समझना पड़ेगा कौन कौन सा आइटम है जो हमारे कॉस्टशीट का पार्ट नहीं होगा। देखो कॉस्टशीट का पार्ट जो नहीं होगा, सिंपल इतना समझो, जो प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होगा प्रोडक्ट बनाने में, वो मेरा कॉस्टशीट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। वो रट के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ए से क्यू जो है वो इकलौता नहीं है, उसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है, और भी कुछ क्यों, काफी सारा चीज ऐड होगा, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग सेवेंथ वाला जो कर रहे थे वो कर लेते। हमें बोला कि उसका स्टेटमेंट बनाओ जो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। तो क्या नहीं आएगा? बैड डेट नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा और डोनेशन नहीं आएगा। बस ये तीन चीज तुम लोग को लिख के ऐड करके बताना है। तो लिखो बैड डेट नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा और डोनेशन नहीं आएगा। बैड डेट था क्वेश्चन में 200, डिस्काउंट अलाउड था 300 और डोनेशन है 150। तो टोटल करके दिखाने बोला है 650। ये मेरा कॉस्टशीट में नहीं आएगा, ठीक है। बैंक चार्जेस को भी नॉर्मली पहले कॉस्टशीट में नहीं लिया जाता था, बट अभी बोल रहा है कि बैंक चार्जेस हम लोग लेंगे, और वो हम लोग का कहाँ आता है? बैंक चार्जेस नॉर्मली जो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग दिखा सकते। अब हम लोग देखेंगे इलास्ट्रेशन 8, इसमें क्या बोला है देखो। इलास्ट्रेशन 8 देखो बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा। अगर प्राइम कॉस्ट इतना है, डायरेक्ट लेबर 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के ही तो प्राइम कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट मुझे दिया हुआ है कितना? 50,000। डायरेक्ट लेबर कितना बोला है? 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब 70% ऑफ 50,000। हाँ तो ये निकालना पड़ेगा, ये मेरा कुछ नहीं है मतलब जीरो है, ठीक है। तो निकालना, तो लिखो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू होता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल मुझे फाइंड आउट करने बोला है, डायरेक्ट लेबर जो है मुझे बता दिया है प्राइम कॉस्ट का 70%, ये क्वेश्चन मुझे बता दिया है तो ही मैंने लिखा। ये देखो 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, मतलब ये नहीं है, ये पॉइंट है ही नहीं तुम्हारा, तो ये जीरो हो जाएगा। चाहो तो लिखो, नहीं तो इसको चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, मतलब ये मेरा जीरो है बेसिकली। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? अच्छा प्राइम कॉस्ट भी तो बता रखा है 50,000, वो भी लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये बता रखा है, ये रहा 50,000। तो 50,000 माइनस हो जाएगा 50,000 का 70%, मतलब 35,000। माइनस करने से कितना आएगा? 50। इसके बाद देखो डायरेक्ट मेटेरियल 80,000, डायरेक्ट लेबर 60,000, फिर से वैसा क्वेश्चन। डायरेक्ट मेटेरियल देखो 80,000, ठीक है, डायरेक्ट लेबर 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इसके बाद ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड बोल रखा है 90,000, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन का, इसको हटाते हैं, 90,000, ठीक है। बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस, मतलब ओपनिंग WIP, गुड्स इन प्रोसेस का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस एक ही बात है, ठीक है। जो गुड्स इन प्रोसेस में है मतलब वो पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, ठीक है। बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस 15,000, मतलब ओपनिंग WIP। द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 2,45,000, व्हाट इज द कॉस्ट असाइन टू एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस? एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस का मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग WIP, ठीक है। एंडिंग का मतलब क्लोजिंग WIP, तो वहां का पूरा स्ट्रक्चर देखो हमारा कैसा होगा, उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो इलास्ट्रेशन में, नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, बड़ा है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले डायरेक्ट मेटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके बाद डायरेक्ट लेबर, हम ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिख रहे हैं। देखो डायरेक्ट मेटेरियल 80,000,
ठीक है, डायरेक्ट लेबर कितना बोला है 60,000, एक एक लिखने से ही समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसके बाद जो कि हमारे क्वेश्चन में मिसिंग है, तो ये सब ऐड करने से क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो 80 प्लस 60, देखो तो लिखने से आ रहा है, तो प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, 1,40,000। ठीक है, 80,000 मेटेरियल गिवन था क्वेश्चन में, लेबर गिवन था, एक्सपेंस नहीं था तो नहीं लेंगे, प्राइम कॉस्ट 1,40,000 हो गया। अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, चलो एक बार चेक करते हैं गिवन है कि नहीं है। हाँ देखो गिवन है 90,000, तो लिख देंगे 90,000। ठीक है, तो ये टोटल करने से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 230,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड होता है, ओपनिंग WIP और लेस क्या होता है, क्लोजिंग WIP, तो हमें क्या मिलता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, यही तो फॉर्मेट हम लोगों ने लिखा था। अब चलो चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें से क्या अवेलेबिलिटी है क्वेश्चन में। बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस 15,000, मतलब ओपनिंग WIP 15,000। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, और हम लोग को निकालने बोला है व्हाट इज द बिगिनिंग गुड्स। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 2,45,000। अच्छा, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलता है, जब ये सब टोटल हो जाएगा तो हमें मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, और नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ये जो है ना, जो लिखा हुआ है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब देखो यहां पर हम लोगों ने लिखा था, दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करने से क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड होना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैंने लिखवाया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक ही बात है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,45,000, ये मुझे बता रखा है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन नहीं है, तो उसको हम लोग ब्लैंक रख लेंगे। ठीक है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना पड़ेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट और इधर क्लोजिंग WIP। अच्छा, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, बैक कैलकुलेशन करके निकालो, ये 2,45,000 है, 2,45,000 कैसे आया है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जीरो ऐड करने से 2,45,000, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा, 2,45,000 ही होगा। अगर 2,45,000 में मुझे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन गिवन नहीं है, तो जीरो ऐड करने से 2,45,000 आएगा। अब 2,45,000 कैसे आया है, 2,30,000 प्लस 15 और कितना लिखने से 2,45,000 आएगा, तो कैसे निकालोगे, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि देखो ये दोनों ऐड करने से कितना होता है, 2,45,000 भी होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो है, तब ना जाके ये 2,45,000 भी रहेगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग WIP का आंसर जीरो। ठीक है, क्लोजिंग WIP कितना है, जीरो, क्योंकि वो फॉर्मेट में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा, बैक कैलकुलेशन करके जाओगे कि कितना आइडिया लेस करने से ये फॉर्मेट पूरा बन जाता है। ठीक है, तो फिर क्लोजिंग WIP का वैल्यू मेरा ये जीरो आ रहा है, जीरो जो है लेस करने से एज इट इज अमाउंट मेरा रह जाएगा। फिनिश गुड्स बोला है, देखो फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, 30,000। फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स कितना बोला है, 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला है, देखो अपना जो कॉस्ट शीट बना हुआ है वहां पर, इलस्ट्रेशन 10, हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कैसे होता है, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, यहाँ पर इसके आगे वाले पेज में चलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
प्लस उसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखो सीओजीएस कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स करने से आए। ठीक है, तो सीओजीएस कितना है देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग वाला दे रखा है 30,000, ये मुझे 30,000 दे रहा। अच्छा क्लोजिंग वाला भी दे रखा है 50,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो मुझे फाइंड आउट करने बोला है। सीओजीएस दे रखा है 1,90,000, तो लिख लेता हूँ सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी निकालने बोला तो निकाला 1,90,000 और ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस 20,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 1,90,000 प्लस 20,000, कितना हो जाएगा 2,10,000। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, 11, 12, 13 वो थोड़ा कंप्लीट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तो हम लोगों ने छोटा छोटा क्वेश्चन किया, ये करने से बहुत ही अच्छा नॉलेज बिल्डअप हो जाएगा। जैसे देखो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टू शो मेटेरियल कंज्यूम, हमें जो कॉस्ट शीट बनाना है वहां पर क्या क्या चीज दिखाना ही पड़ेगा, मेटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो हम लोग को कॉस्ट शीट बना के देना है। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम बना लेंगे, ठीक है, ताकि इनर और आउटर कॉलम मेंटेन करके प्रेजेंटेशन हम लोग अच्छा करें। सबसे पहले आता है रॉ मेटेरियल कंज्यूम, देखो आज ही मैंने जो लिखवाया है, सबसे पहले आता है रॉ मेटेरियल कंज्यूम, बोला है कि ये कंज्यूम को इसी के अंदर दिखाओ कॉस्ट शीट के अंदर, तो वही दिखाएंगे। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल करके, तो लिखो इसके नीचे जो भी डेटा होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। अब देखते हैं गिवन है कि नहीं सारा डेटा। देखो रॉ मेटेरियल ये देखो कैसे पढ़ना है, यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है ये ओपनिंग स्टॉक है, कैसे ये देखो ये 1/1/2021, ये 31 दिसंबर 2021, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग रॉ मेटेरियल लिखा हुआ है, और परचेज ये देखो परचेज और रॉ मेटेरियल 9 लाख, ठीक है, तो 60,000 प्लस 9 लाख माइनस 50,000, ठीक है, डेटा गिवन है, बस देख के लिखना। ओपनिंग है 60,000, परचेज है हम लोग का 9 लाख और जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो है हम लोग का 50,000, ठीक है, तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा, 60 माइनस 50 10, 9,10,000 आ जाएगा, तो ये हो गया 9,10,000, इसको मैंने आउटर कॉलम में लिख लिया, इसको हम लोग लिखेंगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड बोल के। वैसे मैंने ऊपर लिखा है, अगर नीचे वाला नहीं भी लिखोगे चलेगा, वो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड ही बता रहा है। रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकाल लिया, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट लेबर, ठीक है, रॉ मेटेरियल के बाद आता है डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग इसके बाद ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर या वेजेस कुछ भी लिखा जा सकता है डायरेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में रॉ मेटेरियल हम लोगों ने ले लिया, ये भी ले लिया, वेजेस बोला है, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट वेजेस लिख लो, एक ही बात है, डायरेक्ट वेजेस 5 लाख आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है 5 लाख, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो लिखना पड़ेगा। कौन सा परचेज माइनस क्लोजिंग, तीन ही तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम, तो ये आंसर है, चार कैसे होगा, ये तो इसका आंसर है, ये इसका मतलब ही तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस
5 लाख, ठीक है। अब इसके बाद ऐड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, रॉ मेटेरियल हो गया और क्या है, वेजेस पेड हो गया, देखो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, और अगर लिखोगे तो उसमें खाली रख दो, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करके क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, 9 लाख था उधर और इधर 5 लाख, कितना हो गया, 14 लाख प्राइम कॉस्ट। तो देखो हमें क्या दिखाने बोला है, बोला है कि रॉ मेटेरियल कंज्यूम दिखाओ, दिखा दिया प्राइम कॉस्ट दिखा दिया। अब बोला है फैक्ट्री, इसके बाद क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, जब ऐड करते हैं तो लिखना पड़ता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखते हैं कितना बोल रखा है, यहाँ देखो बोल रखा है फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट दे रखा है 2 लाख, तो लिखो 2 लाख। ऐड करने से क्या आएगा, ऐड करने से आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, लैक। जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से चलना है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, अगर क्वेश्चन में है तो देख लेते हैं, हाँ है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही है WIP, तो ओपनिंग WIP ऐड होगा, लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP, तो हमें मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग WIP 24 और क्लोजिंग 30,000, तो 24 ऐड करेंगे 30,000 लेस करेंगे तो कितना हो गया, -6,000। 16 लाख में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, अच्छा ये 14 लाख 10,000 आया था क्या, मैंने गलत लिखा, 9 लाख 10 था, हाँ ये 14 लाख 10 होगा, मैंने 10 यहाँ नहीं लिखा है, लिख लो वो 9 लाख 10 था, 14 लाख 10 होगा, तो ये 2 लाख ऐड करने से 16 लाख 10 होगा, यहाँ 10 के जगह 0 0 कर दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा अब कैलकुलेशन करते हैं, 24 माइनस 30 मतलब -6,000, 6,000 माइनस करने से 4,000 मतलब 16 लाख 4,000, ठीक है, ये आ जाएगा 16 लाख 4,000। अच्छा मैंने ये अमाउंट थोड़ा सा ऐसे लिखना है, 16 लाख 4, ठीक है, ये आए नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद क्या ऐड होता है, फैक्ट्री में काम होने के बाद ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये होना चाहिए, देखते हैं क्वेश्चन में अवेलेबल है कि नहीं डेटा, बिल्कुल है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50,000 दे रखा है, 50 की 30 50, ठीक है। अब 50,000 लिख ऐड करने से आएगा हम लोग के पास कितना आ रहा है, 16 लाख 54,000, ठीक है 16 लाख 54,000। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ सकता है, अगर है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पहले देखते हैं है कि नहीं, मैंने लिख तो दिया, चेक करते हैं, हाँ है ओपनिंग है 1 लाख 20, ठीक है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख 20,000, तो ये आ जाएगा 17 लाख 74,000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिर यहां से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो हम लोग का नहीं बिका, तो पता चल जाएगा कितना बिका, इतना बेचने के लिए अवेलेबल था जिसमें से नहीं बिका, कितना नहीं बिका है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख 10,000, तो कितना आ जाएगा 16 लाख 64,000, ये क्या हो गया, इतना स्टॉक बिक गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिक जाता है उसका इंग्लिश होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गया। अब इसके बाद होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये पूरा कॉस्ट शीट बन रहा है जिसका फॉर्मेट मैंने लिखवाया था तुम दो, ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है वो भी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, देखते हैं है कि नहीं, हाँ है 30,000, ठीक है तो 30,000 ऐड करेंगे, 30,000 ऐड करने से कितना आ जाएगा 16 लाख, पहले कितना था 64 प्लस 30,000 16 लाख 94,000। अच्छा अब यहाँ पर सेल्स वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो 20 लाख, मतलब ये बेच के 20 लाख में हम लोग बेचने वाले हैं, तो 16 लाख 94 का चीज अगर 20 लाख में बेचेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बैलेंस कर, तो माइनस करके देख लो कितना आता है 3 लाख 6,000 आना चाहिए, 3 लाख 6,000 आएगा।
जो प्रॉफिट है, ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। पूरा फॉर्मेट ही जो है याद होना चाहिए, तभी जाके छोटा छोटा क्वेश्चन भी होगा और बड़ा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और दो क्वेश्चन है, वो करने से कंप्लीट होगा। चलो इलस्ट्रेशन 12 वो भी देखो, उसमें थोड़ा और ज्यादा डेटा है। ये देखो, इसमें भी हमें बोला है कॉस्ट शीट बनाने के लिए, ठीक है, और टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट दिखाने के लिए, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रॉ मेटेरियल कंज्यूम, ठीक है। अब रॉ मेटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आएगा, देख लो अवेलेबल क्या है डेटा, बोला स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, एक बार बोल देते हैं ओपनिंग स्टॉक, ये है देखो एक एक तारीख, मतलब ओपनिंग, इधर वाला है क्लोजिंग, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, परचेज ऑफ मेटेरियल, कैरेज इनवर्ड, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया कैरेज इनवर्ड, वेजेस ये हम लोग का डायरेक्ट लेबर हो गया, वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री, फैक्ट्री फैक्ट्री जो भी खर्चा लिखा हुआ वो सब फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक है। हम तुम लोग को एक एक करके पूछ लेंगे, तो मुझे बस ये देखना था कि हम लोगों को रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालना है कि क्वेश्चन दे दिया, निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है, तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, तो हमें मिल जाएगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल कितना है 50,000, परचेस कितना है 4,75,000, तो 40,000 यहाँ आएगा, परचेज हो जाएगा 4,75,000 दिया हुआ था, और ये वाला हो जाएगा 50,000। तो आंसर जिस चीज का निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मेटेरियल यूज किया, तो 40 माइनस 50 माइनस 10 मतलब 4,60,000। अच्छा इसमें एक मिनट, इसमें एक चीज तो और ऐड होना है ना, ये पहले नहीं लिख सकते, इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी, ठीक है। इस ये लिख लो यहाँ पर 4,65,000, यहाँ लिखेंगे प्लस करेंगे कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर ऐड, कैरेज इनवर्ड। इसका दो दो सिचुएशन होता है, या तो यहाँ ऐड कर दो रॉ मेटेरियल पे, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के अलग से दिखा सकते हैं, मतलब मेटेरियल वेजेस और उसके बाद भी दिखा सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है कैरेज इनवर्ड, ये देखो 12,500। ये यहाँ क्यों ऐड होगा, जैसे तुम लोगों को डिप्रिशिएशन में मैंने सिखाया फिक्स्ड एसेट को कैरी करके लेके आने का खर्चा, उसमें ऐड होते फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट को बढ़ाया जाता है, सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम जो है वो कितना बन जाएगा ऐड करने से, 4,77,500, ठीक है। हम लोगों ने इतने रुपए का रॉ मेटेरियल कंज्यूम किया। अगर कैरेज को यहाँ नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4,65,000 रॉ मेटेरियल कंज्यूम दिखा के उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट वेजेस लिख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड लिख के ऐड करके भी दिखा सकते हो, तो भी सेम ही होगा, ठीक है। 4,77,500 टोटल, ठीक है। अब मेटेरियल के बाद क्या आएगा, लेबर, मेटेरियल तो खरीद लिया, अब लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, तो लेबर कौन सा वाला चाहिए जिनको टेक्निक आता है, मतलब डायरेक्ट वेजेस जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, ये देखो डायरेक्ट वेजेस है 1,75,000, ये देखो दिया हुआ, तो लिखो 1,75,000। अच्छा अब ये ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस था इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पहले ही ऐड कर दिया, तो 4,77,500 था उधर, 1,75,000, तो कितना हो जाएगा 6,52,500, ये प्राइम कॉस्ट हो गया। अब ये पहला पहला खर्चा करने के बाद सब सामान लेके हमें फैक्ट्री में जाना है, तो नेक्स्ट खर्चा क्या होगा, फैक्ट्री
ओवरहेड, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर देखेंगे फैक्ट्री रिलेटेड क्या क्या खर्चा हमें दिया हुआ है, यहाँ एक लिस्ट दिया हुआ है तो लिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। जैसे देखो वर्क मैनेजर सैलरी, ठीक है, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री मैनेजर का सैलरी तो वो फैक्ट्री में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्क्स मैनेजर सैलरी दिया हुआ है, सारा चीज क्वेश्चन में दिया है, बस देख देख के लिखना है 30,000 सब अमाउंट दिया हुआ है, और बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा फैक्ट्री का है। तो वर्क मैनेजर सैलरी फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री इंप्लॉय सैलरी ये तो खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में लगाओ, यहाँ तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, फैक्ट्री इंप्लॉयज सैलरी, तो फैक्ट्री इंप्लॉयज सैलरी, ठीक है, ये हम लोग को बोल रखा है 60,000। और देखते हैं फैक्ट्री रिलेटेड क्या खर्चा है, फैक्ट्री रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस 7,250, तो ये भी फैक्ट्री का क्वेश्चन खुद बोल रहा है, लिखो फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये खर्चा बताया है 7,250। अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखो बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ बोला है मशीनरी, पावर एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी क्या होगा वो हम बताते हैं, पहले लिखो पावर एक्सपेंसेस, क्योंकि पावर कहाँ यूज होगा, फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो डोमेस्टिक नहीं होता है, वो होता है हम लोग का कॉमर्शियल, उसको बोलते हैं पावर, पावर के थ्रू से। अब ये फैन जो घूम रहा है इसको पावर नहीं बोलेंगे, लेकिन फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है उसको बोलते हैं पावर, तो पावर एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है 9,500, तो लिखो पावर एक्सपेंसेस 9,500, ठीक है। अच्छा उसके बाद है अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्शन कहाँ होता है फैक्ट्री में, तो लिखो अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस, कुछ नहीं बस नाम खुद को समझना है, बेसिक सेंस लगा के और उसको ऐड करना है और कुछ नहीं। अच्छा अब ये सब ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री का टोटल खर्चा, तो 30 प्लस 60 90, 90 और ये कितना हो जाएगा 7,250, देखते हैं कितना हो रहा है, मेरा यहाँ पर कैलकुलेटर अपीयर नहीं कर रहा, ठीक है चलो हम यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, 30,000 पहले लिखा हुआ है देख सकते हो तुम लोग अपने कॉपी में, 60,000, उसके बाद 7,250, उसके बाद है 9,500, उसके बाद है 43,000, टोटल हो जाएगा 1,49,750, 1,49,750, क्या और कोई फैक्ट्री का खर्चा नहीं था, नहीं था, देख सकते हो क्वेश्चन को आगे पढ़ के देख सकते हो, यहाँ पर है जनरल एक्सपेंस, सेल्स फॉर द ईयर, इनकम टैक्स, डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये एक भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा नहीं था। अब ये दोनों को ऐड करने से आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करो 6,52,500, 8,02,250, 8,02,250, 8,02,250 ये होगा। अच्छा ये खर्चा इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से नेट में कैसे पहुंचते हैं, ऐड करना पड़ता है ओपनिंग WIP, लेस करना पड़ता है क्लोजिंग WIP, अगर क्वेश्चन में है तो, वो तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि है, दोनों चीजें है क्वेश्चन में, देखो ओपनिंग WIP कितना है, ओपनिंग WIP है 15,000, क्लोजिंग कितना है 10,000, तो लिखो 15,000 और 10,000, तो 15 से 10 लेस करने से हो जाता है 5,000, तो 5,000 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8,250, इसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इसको बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें फैक्ट्री का काम जैसे ही पूरा हुआ नेक्स्ट कौन सा खर्चा ऐड करना होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब ऐड कर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अब देखते हैं ऑफिस रिलेटेड क्या क्या खर्चा हमें गिवन है, जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस हमारा ऑफिस का पार्ट होता है, 32,500 लिखो जनरल एक्सपेंस 32,500, और कोई ऑफिस खर्चा है देखते हैं,
जनरल एक्सपेंस सेल्स तो लास्ट में जाएगा, इनकम टैक्स तो आता ही नहीं है, कॉस्ट शीट में डिविडेंड भी नहीं आएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, अभी अभी दिखाया, ये सब आफ्टर सेल आइटम है। इनकम टैक्स तब देंगे अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, डिविडेंड तब देंगे अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर को, वो तो पीएल एप्रो का पार्ट होता है, डिवेंचर इंटरेस्ट ये लोन का पार्ट है, ये भी हमारे इसमें नहीं आएगा। फिर बोल रहा है ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड फॉर गुडविल राइट ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम लोगों ने फंड में पैसा डाला, तो ये भी हमारा जो है प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ये भी हमारे जो है इसका पार्ट नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, यानी कि प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं। हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा, इसका मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का और कुछ नहीं है, बस एक ही है जनरल एक्सपेंस। अब इसको एड करेंगे आगे वाले खर्चे के साथ, 8,07,250 प्लस 32,500, देखो कितना आएगा, 8,13,750, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर है तो, जो कि था क्वेश्चन में, हम लोगों ने देखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करने से आता है टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, स्टॉक या गुड्स जो भी बोलो, टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, देखते हैं कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये देख 6,000 ऐड कर लो, 750, 8,45,750 लेस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देखते हैं कितना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000 है, लेस कर, लेस करने से आ जाएगा 8,30,750, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो सीक्वेंस है वैसे ही करना है, जिसमें हमें एक खर्चा बोल रखा है सेलिंग एक्सपेंस, अभी अभी देखा हम लोगों ने, एकदम एंड में दिया था 9,250, ऐड करने से आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद और कोई कॉस्ट ऐड नहीं होता, इसीलिए इसको टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये ऐड करने से आ जाएगा 8,40,000, ठीक है। अब ऐड करेंगे प्रॉफिट और सेल्स, नीचे आ जाएगा, अब सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, देखो सेल्स वैल्यू 8,60,000, तो यहाँ लिख देंगे 8,60,000, तो 8,40,000 का चीज अगर 8,60,000 में बिकेगा तो प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000, ठीक है, ये प्रॉफिट आ जाएगा। बाकी जो पॉइंट हम लोग का नहीं आया, देखो तुम लोग को तो कॉस्ट शीट करके नहीं दिखाना पड़ेगा, जिनको दिखाना पड़ेगा उनको तो लिखना पड़ेगा, और तुम लोग का क्योंकि एमसीक्यू होगा, हम फाउंडेशन का बात कर रहे हैं, तो फिर तुम लोग को तो वहां लिखना नहीं है, तुम लोग को वो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें वो ऐड कर दिया तो क्या होगा, इतना बड़ा चीज नहीं पूछेगा, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन जिनको लिख के दिखाना है, लेकिन ये फॉर्मेट पूरा याद नहीं होगा तो वो छोटा छोटा चीज भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने भी बड़ा क्वेश्चन दिया है। और यहाँ पर जो पॉइंट्स नहीं आया, जैसे कि डिविडेंड हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब हमें नोट्स दे देना चाहिए, ये सब खर्चा क्यों नहीं आएगा, ये सब खर्चा इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता है, इसी वजह से नहीं आएगा, तो वो लिख के देना चाहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 13, बस उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और कुछ है नहीं। चलो ये कर लेते हैं, एक लास्ट ही है, यही वाला करेंगे, करने से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 13, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बोल रहा है मिस्टर गोपाल फर्निसेस द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने का ये डेटा दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फ्रॉम द अबव, क्या क्या दिखाना है, कॉस्ट पर यूनिट दिखाना है, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब टोटल प्रॉफिट भी दिखाना है, एक यूनिट का भी दिखाना है। तो पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें ऐसे बोला नहीं था, पहला बात, दूसरा बात है हमें कोई यूनिट नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में यूनिट गिवन है, देखो कितना यूनिट बेचा है 16,000 और कितना यूनिट बनाया है 17,100, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि हमें पर यूनिट भी दिखाने बोला है, तो हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक टोटल बना देंगे, एक रुपीज वाला टोटल और एक पर यूनिट बना देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमें
इसी शीट के अंदर पूरा डेटा मिल जाएगा। सबसे पहले आएगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम, लिखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम, जो कि इस क्वेश्चन में ना हमें डायरेक्टली गिवन है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखो दे दिया है 15,000 रॉ मेटेरियल कंज्यूम। अब ये रॉ मेटेरियल कंजम्पशन क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूस किया है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है 17,100। तो एक यूनिट बनाने का कितना रॉ मेटेरियल का खर्चा हुआ है, अगर 17,100 का खर्चा 15,000 है तो एक यूनिट का क्या है, उसी को तो पर यूनिट बोलते हैं। कैसे निकलेगा, डिवाइड करके देखो कितना आता है। टोटल यूनिट हम यहाँ पर लिख देते हैं, यूनिट हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है 17,100। अगर 17,100 पे खर्चा 15,000 का होगा तो एक यूनिट पे कितना हो, मतलब 0.88। कैसे डिवाइड होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 17,100, 0.88, ठीक है, ये ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, देखते हैं डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में है कि नहीं। हाँ है, ये देखो 9,000 डायरेक्ट लेबर चार्जेस, लेबर लिखे वेजेस लिखे एक ही बात है, 9,000। अब 9,000 खर्चा हुआ है 17,100 के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना होगा, फिर से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है और बताओ कितना होगा। फिर से डिवाइड करेंगे, एक 17,100 का 9,000 तो 5,2 तक ले रहे, 0.5, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि ना हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो बस यहीं पर प्राइम कॉस्ट बन जाएगा 24,000, और ये दोनों को ऐड करने से 1.4 आएगा शायद, देखते हैं। 1.4 आएगा ये दोनों को ऐड करने से, ये प्राइम कॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में है मशीन, देखो मशीन का खर्चा जो लिखा हुआ है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद चला जाएगा और सेलिंग उसके बाद, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मशीन का खर्चा, मशीन बोल रहा है कि कितना घंटा चला है, 900 लिखा हुआ है। मशीन आवर्स वर्कड, मतलब कितने घंटे मशीन काम किया है, 900 घंटा। और मशीन आवर रेट, मतलब एक घंटा चलने से ये क्या हो गया, ठीक है, देखो एक घंटा मशीन चलने से कितने रुपए का खर्चा होता है, 5। कैसे बोला है, मशीन आवर रेट, तो फिर 900 घंटा चलने से कितना खर्चा होगा, 500। तो वही हो जाएगा हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर मशीन का खर्चा, तो इसके नीचे लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस बोल के, मशीन एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, 900 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 करके, तो कितना हो जाएगा 4,500, ठीक है। अब ये 4,500 कितना यूनिट बनाने का, 17,100, तो 1 यूनिट बनाने का कितना होगा, डिवाइड करो फिर से, 26 समथिंग आ रहा है शायद, 27 होगा शायद, देखो 26 ही लिख देते, 263 है तो 26 लिख देंगे, ऐड करके देखते कितना होता है, 28,500, और ये हो जाएगा 1.66, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब क्या ऐड होगा, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है तो उसको नहीं लिखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना बोला है, डायरेक्ट बता दिया 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, तो 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट, अभी थोड़े देर पहले ही बोला जो फैक्ट्री है वही वर्क्स है वही प्रोडक्शन है, तो 20% ऑफ 28,500 देख लो कितना होगा इसका, 20% 5700 होगा, चेक करो 5700। अब एक यूनिट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5700 डिवाइडेड बाय 17,100, क्योंकि ये तो खर्चा हो रहा है 17,100 के लिए, 0.33 ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखो कितना आएगा, 1.34, 200, और इधर हो गया 1.99, ठीक है,
1.99 हो गया। अच्छा, अब ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको लिखना पड़ेगा, इसका नाम ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन इसमें शायद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था, चेक करो यहाँ पर कैसे आएगा। देखो, अगर हम लोगों ने 17,100 यूनिट बनाया लेकिन बेचा है सिर्फ 16,000 यूनिट, तो क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कितना? 1,100, 17,100 बनाया, बेचा 16,000, तो कितना बचेगा? 1,100, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो वो हमें कहाँ एडजस्ट करना पड़ता है? यहीं पर, ठीक है। या हम लोग ऐड करते ओपनिंग, लेस करते क्लोजिंग। ओपनिंग नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, ये जो फिनिश गुड्स निकला 34,200, ये कितना यूनिट के लिए? खर्चा जो आया 17,100, तो 34,200 डिवाइडेड बाय 17,100 करने से एक यूनिट का निकला। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट है अभी हम लोगों ने देखा? 1,100, 16,000 बेचा, 17,100 बनाया था, तो 1,100 उसका निकालेंगे तो मिल जाएगा। देखो कितना होगा, एक तो 34,200 डिवाइड किससे हो रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सॉरी। 17,100 से होगा ना कि एक यूनिट का खर्चा कितना है? ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं, यहाँ दिख नहीं रहा। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 34,200 का खर्चा हुआ है 17,100 यूनिट बनाने के लिए, तो 1,100 पे कितना खर्चा हुआ होगा? तो देखो कितना आएगा, 2,200 आएगा शायद, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चेक करके देख लो, 2,200 आ रहा है कि आ रहा है। अच्छा, ये माइनस करने से कितना आएगा? 34,200 से ये माइनस करेंगे, 2,200 कितना आ जाएगा? 32,000। अच्छा, इधर यूनिट वाला कॉलम भी तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 2,200। अब ये 2,200 कितने यूनिट का खर्चा है? 1,100, यहाँ पर 17,100 मत लगा दो, तो पर यूनिट का कितना होगा? 2 रुपीज। ये जो 2,200 है, ये कितने यूनिट का खर्चा लिखा है? 1,100, तो फिर एक एक यूनिट का कितना होगा? 2 रुपीज। अब ये माइनस करके देखते कितना हो जाएगा, 1.99, और इधर हम लोग का हो गया 2 रुपीज। ठीक है, ये अच्छा, ये ना 2 रुपीज को ऐसे ही एक बार लिखे रहने दो, बताते हैं इसके बाद क्या होगा। यहाँ पर 2 रुपीज हो गया COGS। अब ये कितना आ गया? 32,000। ये कितने कितने यूनिट का है बोलो तो? 17,100 माइनस 1,100 यानी कि 16,000। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 2 रुपीज। तो यहाँ पर वो ना लेस नहीं होगा डायरेक्टली, क्यों नहीं होगा समझो, मतलब तुम लोग बोलोगे कि इसके साथ लेस कर देंगे, नहीं होगा। इसको यहाँ एक बार क्लोज करना है, क्योंकि ये कितने यूनिट का है? 17,100 का। उसके बाद हमारा यूनिट चेंज हो रहा है, ये 17,100 का, इसके बाद वाला 1,100 का, ये कितने का है? 1,100 का। और ये कितने का निकल के आया? ये हम लोग का आ गया 16,000 का। ठीक है, ये हम लोग का 16,000 का निकल गया, इसीलिए वो एडलेस नहीं होगा यूनिट में। ठीक है, यूनिट में एडलेस करने से गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको वहां क्लोज कर देना है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब उसके बाद क्या ऐड होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है? बोला है कि 0.50 पर यूनिट करके, मतलब एक यूनिट बेचने पे 50 पैसे का खर्चा। तो कितना यूनिट बेचा हम लोगों ने? 16,000, तो मल्टीप्लाई करो 16,000 इंटू 0.50 कितना होता है? 8,000, 50%। और यूनिट कितना लिखोगे? 16,000 का तो बता ही दिया है, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, पर यूनिट तो बता है 50 पैसा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40,000। ये कितना हो गया? 2.50। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टोटल कॉस्ट, जो बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो क्या निकल के आएगा? सेल वैल्यू। ठीक है, और इधर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, देखते हैं क्या प्रॉफिट बोला। बोला 4 रुपए करके बिकेगा, प्रॉफिट नहीं बोला, बोला 4 रुपए करके बिकेगा। तो कितना बेचा है? 16,000, 4 रुपए करके कितना हो जाएगा? 64,000।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 4 रुपीज। अब प्रॉफिट निकालो बैलेंस करके, तो 2.5 रुपए का चीज अगर 4 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट कितना है, 1.5 रुपया। ठीक है, और 1.5 रुपया अगर एक यूनिट का प्रॉफिट है तो 16,000 यूनिट का प्रॉफिट कितना होगा, ये दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 24,000, या 16,000 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 24,000, ये इतना हो गया। यहाँ पर स्पेशल चीज ये था कि कहाँ से यूनिट का और कैलकुलेशन हमें ऐड वैड नहीं करना है, बीच में यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऐड करने से उसका मीनिंग बदल जाता है, क्योंकि वहां पर क्वांटिटी हमारा चेंज हो जा रहा है इसी वजह से। बस ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद जो है ये तुम लोग खुद से करके देख सकते हो, जब हम टेस्ट लेंगे तो फिर वहां पर डिस्कस कर देंगे, जो हम लोगों ने थियोरिटिकल पढ़ा है वही सारा चीज यहाँ पर है, ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो आंसर तुम लोग का दिया हुआ है, चाहो तो यहाँ से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। कॉस्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिर आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या करेंगे।